Welcome you all to online class of PBS International School. Today we are going to discuss about Microsoft PowerPoint 2010. As you can see on your screen, in this video you are going to learn about what is Microsoft PowerPoint, how we can create a presentation in PowerPoint, what is presentation, and where we are going to use Microsoft PowerPoint, and many more things. So let's get started with it. So first of all, we should introduce what is MS PowerPoint. So as you can see on your screen, MS PowerPoint is a presentation software. Presentation या नाम से ही पता चल रहा है, present करना, किसी चीज़ को present करना। तो जब हम किसी चीज़ को present करते हैं तो उसको अच्छे से modify करते हैं, उसको अच्छे से सजा के करते हैं, देते हैं। जब आप किसी को gift देते हो example के लिए, तो उसको क्या करते हो, अच्छे से wrap करते हो, wrap में अच्छे से रखते हो कि उसका presentation अच्छा लगे, कि सामने वाले को देखने में अच्छा लगे। तो एम एस पावर पॉइंट भी क्या एक तरह का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से अपने डॉक्यूमेंट्स को या अपने टेक्स्ट को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, सामने वाले को देखने में अच्छा लगे और उसे अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो सिंपली एम एस पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू क्रिएट डायनेमिक स्लाइड प्रेजेंटेशंस दैट कैन इंक्लूड एनिमेशंस, नरेशंस, इमेजेस, वीडियोस, राइट। सो एक ऐसा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग एनिमेशंस का यूज़ कर सकते हैं, नरेशंस का यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं और वीडियोस का यूज़ कर सकते हैं टू प्रेजेंट आवर डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन इन अ प्रेजेंटेबल वे, इन अ गुड वे, सो दैट यूजर कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। Now in this topic we are going to learn how we can create a new blank presentation, right? एक नई blank presentation कैसे create कर सकते हैं, जैसे पर एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको ये भी कह सकते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को कि इट इज सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स, जो आपके माइंड में थाट आता है या जो आपके माइंड में व्यूज आते हैं या जो आइडियाज आते हैं, उसको आप सामने वाले को और अच्छे से कैसे एक्सप्रेस कर पाओगे, राइट। जैसे एक एग्जांपल के अभी हम आपको बोले कि ऐसा जानवर है जिसके 4 लेग्स हैं, 2 ईयर्स हैं, 2 आईज हैं, तो माइंड में अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो कुछ लोग सोचेंगे वो टाइगर की बात हो रही है, कुछ सोचेंगे कैट की बात हो रही है, राइट। हर एक स्टूडेंट अपना अलग अलग एनिमल सोचेगा, राइट, बट माइंड में हम उस टाइम डॉग की बात कर रहे हैं, तो समझने में दिक्कत होने पर अगर यहीं पर हम इमेज दिखा दें डॉग की, तो जितने भी स्टूडेंट्स रूम में रहेंगे सब एक ही चीज़ समझेंगे ना डॉग, तो सेम यही काम प्रेजेंटेशन करता है, जिससे अपने डॉक्यूमेंट्स को सामने वाले को अच्छे से प्रेजेंट करके दिखा पाए, जिससे उसको समझने में आसानी हो, राइट। तो वी कैन से कि प्रेजेंटेशन जो सॉफ्टवेयर दैट हेल्प अस टू शेयर आवर व्यूज, आवर आइडियाज इफेक्टिवली टू द पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ अस और टू द ऑडियंस, जिसको भी आप दिखाना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, उसको बहुत इफेक्टिवली समझाता है, जो भी आपके आइडियाज़ हैं या जो भी आपके थॉट्स हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, कहते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, कि इसमें अगर कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, राइट। सो फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। सबसे पहले ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी। आई होप एवरीबॉडी नोज हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वहाँ पर जाएंगे, स्टार्ट पर जाएंगे, राइट। जैसे स्टार्ट पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर विंडो खुल के आ गई, यहीं पे आपको ढूंढना है कहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाना है, कहाँ पे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाना है, राइट। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखा, जस्ट क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो। जैसे ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करोगे यहाँ पे एक होगा माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010, इस पर आप क्लिक करोगे। एज सून एज यू क्लिक ऑन इट, व्हाट विल हैपन, माइक्रोसॉफ्ट 2010 का विंडो अपीयर होगा आपकी स्क्रीन पर, राइट। तो जैसे आपने उसको क्लिक किया तुरंत क्या होगा, विंडो पावर पॉइंट का स्क्रीन अपीयर हो जाएगा, राइट। सही, ऐसा अपीयर हो जाएगा आपका। ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विंडो है जो आपकी स्क्रीन पे खोल के आ गई, राइट। सबसे पहले बाय डिफॉल्ट ही आपका प्रेजेंटेशन ऐसा ही होता है, बट अगर आप चाहो तो आपको क्या करना है, फाइल से सबसे पहले आपको स्लाइड्स होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, स्लाइड्स में वाइट पेजेस होते हैं, इनको स्लाइड होती है, राइट। इसमें क्या होता है, हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन दिख रही होती है हम इसमें लिखते हैं, ठीक है।
स्लाइड्स क्या होती है, स्लाइड एक पेज की तरह होता है, सिंपली आपके समझ में पेज होता है जिसमें आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन लिखते हो या टेक्स्ट लिखते हो जिसको आपको अप्लाई करना है, राइट। तो कोई भी टेक्स्ट होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, उसको लिखने के लिए आपको पेज चाहिए होगा, तो प्रेजेंटेशन आपको पेज प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्लाइड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्लाइड्स। तो स्लाइड्स हम लोग सिंपली बोलते हैं, तो स्लाइड क्या होता है, अ पेज होता है, इज अ व्हाट, इज अ पेज इन विच वी राइट ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, जिसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिखते हैं इसमें, ठीक है, थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेते हैं, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपसे बात कर, देखिए ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे स्लाइड के, ठीक है। सबसे पहले कैसे ओपन करना, अगर आपको ओपन करना है तो आप यहाँ फाइल टैब में जाएंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, राइट। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए इतने ज़्यादा यहाँ पे टेम्पलेट्स आ गए। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, इसमें क्या टेम्पलेट्स हैं, थीम्स हैं, इनमें क्या होता है, इनमें से डिज़ाइन करके पहले से चीज़ें रखी हैं, आपको बस क्या करना है, यूज़ करना है, राइट। तो अभी आपको इसमें नहीं, जब आप बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे तब यूज़ होगा। अभी नॉर्मली आप क्या करोगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ राइट हैंड साइड पे क्रिएट दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे, राइट। जैसे उस पर क्लिक करोगे, नई प्रेजेंटेशन बनके आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी, राइट। जैसा अभी आपको बताया, ये जो वाइट पेज दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है स्लाइड, राइट। तो आप बोल सकते हो एक स्लाइड क्या होती है, स्लाइड इज अ काइंड ऑफ पेज इन विच वी राइट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। स्लाइड वो पेज होती है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। तो एक स्लाइड आ गई, अगर आपको स्लाइड इंसर्ट करना, सी अगर यहाँ पे देखिए आप, तो जब आप स्लाइड इंसर्ट करने जाते हो, आप यहाँ पे देखोगे न्यू स्लाइड का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसी पे क्लिक करोगे तो देखिए कितने तरह की स्लाइड्स अवेलेबल हैं आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट। कितनी अवेलेबल है, 9 अवेलेबल है, एज यू कैन सी, टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपेरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन, राइट। सो देर आर 9 टाइप्स ऑफ स्लाइड्स, डिफरेंट स्लाइड्स जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारे ऊपर होता है, डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्लाइड यूज़ करना चाह रहे हैं। जिस पर भी क्लिक करेंगे वो स्लाइड ऑटोमेटिकली देखिए आपकी यहाँ ऐड हो गई, फिर न्यू पे गए, आपको ये वाली चाहिए कंटेंट विद कैप्शन, ये ऐड हो गई। तो इट्स अप टू यू कि हाँ कौन सी स्लाइड ऐड करना चाह रहे हो। सिंपली क्या करना पड़ेगा, न्यू पे जाएंगे, उस स्लाइड पे क्लिक कर देंगे जो स्लाइड हमें चाहिए, और वो आपकी प्रेजेंटेशन में ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम बात करें तो आपकी टाइटल स्लाइड ऐड होती है, मतलब आप अगर बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करोगे फाइल से जाके, ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोलोगे, तो जो सबसे पहली स्लाइड जो अपने आप यहाँ पे ऐड होगी वो कौन सी होगी, टाइटल स्लाइड होगी, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी स्लाइड प्रेजेंट होती है, टाइटल स्लाइड। पेपर देख लो, फाइल पर गए आप, यहाँ पर आपने न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन, यहाँ पर क्रिएट पे, सी देखिए जो स्लाइड आई है कैसी है, टाइटल एंड कंटेंट की है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्लाइड ओपन होगी आएगी वो टाइटल कंटेंट की होगी। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो अगेन गो टू न्यू स्लाइड ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, आप इन पर जो भी स्लाइड ऐड करना चाह रहे हो उस पर क्लिक कर दोगे तो वो स्लाइड यहाँ बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। नाउ व्हाट, एक चीज़ और होती है प्रेजेंटेशन स्लाइड, आपको समझ में आया, स्लाइड मतलब एक ऐसा पेज जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लिखते हैं। दूसरा क्या होता है, प्रेजेंटेशन, जब एक ही फाइल में हम बहुत सारी स्लाइड्स ऐड कर देते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 स्लाइड्स या इतनी स्लाइड्स ऐड कर दें, तो इस फाइल में जब पूरा सेव करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंटेशन बन गई हमारी, क्या बन गई, प्रेजेंटेशन। तो हम सिंपली बोल सकते हैं जो प्रेजेंटेशन होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइड्स होती है। एक प्रेजेंटेशन में 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम आपके ऊपर है, जितनी चाहे सारी स्लाइड्स आप चाहो क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। गेटिंग इट, समझ में आया, प्रेजेंटेशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइड्स। जब बहुत सारे स्लाइड्स को एक साथ मिला के रख देते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। जैसे इस फाइल में हमने देखा 1, 2, 3, 4 स्लाइड्स दिख रही हैं, तो क्या बन जाएगी, जब फाइल को सेव करेंगे तो ये प्रेजेंटेशन बन जाएगा। और ये क्या है, ये एक स्लाइड है, ये एक स्लाइड है, तो हर एक स्लाइड, और स्लाइड क्या होती है, स्लाइड एक पेज की तरह काम करता है। तो सिंपली आप बोल सकते हो, समझ सकते हो प्रेजेंटेशन को कि एक ऐसी कॉपी होती है जिसमें जितने भी पेजेस हो सकते हैं, जो पेजेस होते हैं वो स्लाइड होती है, और जो पूरी कॉपी होती है उसको क्या बोलोगे, प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, समझ में आया। और आपने देखा कि यहाँ पे कैसे आप स्लाइड को इंटर कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन में, कैसे आप अपनी एक नई प्रेजेंटेशन बना सकते हो, देखा, कोई स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं इसको, राइट। तो ये आर द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉन टू फाइल टैब,
फाइल टैब पे गया था सबसे पहले हमने, एंड देन बैक स्टेज व्यू पे आया था आपका, वहाँ पे हमने जाके इस पर सेलेक्ट किया था न्यू पे।